और जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आपने दान कहाँ कहाँ किया है, कितने स्कूल खोले, कितने हॉस्पिटल में दान किया। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी बात यह है, आपने जो शुरू में एक छोटा सा क्लिप देखा है दोस्तों, ये वाला वीडियो आपको जो है हम पूरा दिखाएंगे, बस थोड़ी सी बात आप हमारी सुन लें। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा है, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। और उसके बाद मेरे प्यारे भाई आप लोग क्या कहते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएँ, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और मेरे प्यारे ऐसे दोस्तों एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप हजरात इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के अपडेट हम आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हों। मेरे प्यारे मोहतरम अजीज दोस्तों, आप लोगों ने पिछले दो तीन दिनों में देखा कि अजमेर शरीफ के अंदर क्या हुआ। अजमेर शरीफ के अंदर आला हजरत के शहदाई और फिदाई जो है नारेबाजी और जो है सलाम वगैरह पढ़ा, उसके बाद मेरे प्यारे अजीज दोस्तों वहां के खुदामों के जरिए क्या मामला जो है सामने निकल कर सोशल मीडिया पे आया, आप लोगों ने बखूबी देख लिया और हमारे चैनल के जरिए भी आप लोगों ने देखा और भी दीगर चैनल के जरिए आप लोगों देखा। तो मेरे प्यारे सी दोस्तों इसी मामले को लेकर के एक मुंबई की जो है कमेटी है मुंबई महाराष्ट्र की, उसमें से एक सदस्य है मेरे प्यारे सी दोस्तों, उनसे जो है इंटरव्यू लिया जा रहा है और वो जो है इस मामले को लेकर के, कहने का मतलब यह है जो अजमेर शरीफ में मामला दरपेश आया झगड़े वाला, तो इस मामले को लेकर के जो है कुछ बातें बोल रहे हैं, कुछ बातें रख रहे हैं, कुछ बातें कह रहे हैं, जिन बातों का सुनना मेरे प्यारे सी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए मेरे प्यारे मोहतरम अजीज दोस्तों, आप लोगों का वक्त ना लेते हुए हम आप लोगों को जो है वही वीडियो दिखा देते हैं, आप लोग अच्छे से उस वीडियो को वॉच करें और उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सवाल जो था बहुत वाजिब था, अब ये लोगों के सामने आना चाहिए। सबसे पहले जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उनके खिलाफ तो ये आवाज़ उठाते नहीं। दूसरी बात, अजमेर शरीफ के अंदर जो दरगाह है ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके मानने वाले आला हजरत वाले ही ज़्यादा तादाद में आपको मिलेंगे। और रहा सवाल, ये आपने ये कहा कि वहाँ पे जो धाराएं लगी और उनके ऊपर केस हो गया, तो मैं वो चाचा जो सरवर चिश्ती जो है उनसे मैं कहना चाहूँगा, अजमेर के चीफ और खादी में जो, कि आपने वहाँ पर धारा तो लगा दी उनके ऊपर एसपी डीएसपी में लेटर मार करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी गुस्ताखियाँ हो रही थी तो आपने जब क्यों नहीं धारा लगाई और जब क्यों नहीं आवाज़ उठाई। दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान से अजमेर दरगाह पे ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब होते हैं, वो लोग की एक आस्था जुड़ी है, वो लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ से हमारी तकलीफ़ें दूर हो रही है। तो वहाँ के जो भी खादिम है वो साबित कर दिए 2018 में भी और 2023 में भी कि वहाँ लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं, तो वहाँ पे वहाँ के खादिम लोग क्या सलूक करते हैं उनके साथ। जैसे कि एक वो हज करने पैदल जा रहा था, लड़के का नाम शहाब, वो जब ज़ियारत के लिए अंदर घुसा तो वहाँ पे आप लोग को सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वहाँ के खादिम ने किस तरीके से उसे झिड़की दी, जा बेटा लिखा क्या है हमारे बगैर चलता नहीं। तो मैं ऐसा कहूँगा ख्वाजा गरीब नवाज मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो जब दुनिया या हिंदुस्तान में आए तो वो गरीबों के नवाज बन के आए, उन्होंने कई लोगों को, ऐसा माना जाता 40 लाख लोगों को ईमान में लाया, लेकिन मैं कहता हूँ उससे कई ज़्यादा लोगों को इस्लाम में या हिंदुस्तान में फैलाया उन्होंने। तो तुम्हारा कॉपीराइट नहीं हो वो दरगाह, तुम्हारी खुद की कॉपीराइट में नहीं है। आप राजस्थान के हो, आप वहाँ के रहवासी हो, आपका फ़र्ज़ बनता है जो आपके यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं उनकी खिदमत करो। उन लोगों ने विवादित मामले में जो नारे लगाए तो आप लोगों ने मामला दर्ज भी पहले भी किया था 18 में। मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ रस्सी बैरिकेड होता है, लोगों के क्राउड होते हैं, लाखों का भीड़ होता है, उनमें एक ग्रुप साफ नज़र आ रहा है 150-150 लोगों का जो एक साथ आला हजरत के नाम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, अदर किसी और चीज़ के नाम पर नारे लगा रहे। तो आप लोग के चिश्तियों में कितने स्टाफ थे, 50 स्टाफ या 100 स्टाफ, वो उनमें से आ करके चार पुलिस वाले खड़े होकर उनको कहते कि भाई नारे मत लगाओ और आप लोग साइड में हो जाओ, जरा आपसे हमको बात करनी है, ये सब यहाँ पे बैंड है। आप लोगों ने तो डायरेक्ट मारना चालू कर दिया उनको। बम्बई के मेरे दोस्त भी गए थे वहाँ पर, हो सकता है वो भी मार खाए हो, कोई गरीब गया था, कोई नमाज पढ़ रहा था, तुमने तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी, मुसल्ले पे दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारा है। अब वो बेचारे तो अपना वहाँ पे ज़ियारत के लिए गए थे और ज़ियारत करके चले गए। तो खादिम साहब, आपने जो FIR दर्ज कराई है जिसके भी नाम पे, मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ। मेरी एक संस्था है, ये मेरी संस्था की टीम है, आपने गलत किया है। करोड़ों रुपया हिंदुस्तान से चंदा आता है वहाँ पर,
डेक के अंदर पैसे ही पैसे जाते हैं। मैं खुद इवेंट जाता हूँ, पैसे डालता हूँ। कई लोग तो सोना जेवर फेंक देते उसके अंदर, कई लोग बंडल के बंडल। मैंने खुद वहाँ पे लाखों रुपया डोनेट किया है। मैंने खुद वो डेक के अंदर बंडल का बंडल उठा के मेरे जेब से डाल दिया है। जब कवाली होती थी ना तो वहाँ पे झूम के पैसा उड़ाता था, घुसुल देता था, और लाखों रुपये की चादरें भी हमने चढ़ाई है। 1,000 से लेकर के 51,000 लाख लाख रुपये तक की चादर है आपके पास। आप सोच रहे हैं वहाँ से आपका घर चल रहा है, वहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी है, तो आप ये गलत कर रहे हैं। उन लोगों को मार रहे हैं, एक तो उनका पैसा भी लेते हैं और उनको मारते भी है। चंदा वो देते हैं अपनी खुशी से दे रहे, वो आपके लिए नहीं दे रहे। अरे काजा गरीब नवाज मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो दो दीन को फैलाए और आला हजरत के जो मानने वाले थे आपने उनको मारा है। आपने क्या कहा, नारा गलत लगाया है, आपने FIR की आज। कल उनको मारा था, कल हमारा परिवार के भी लोग जा सकते हैं जियारत में, हमारे बच्चे जाएंगे, तो आप लोग मारोगे अजमेर में मेहमानों को मारोगे? ये आपकी खादिम है, ये आपकी खादिमगिरी है। और हमारे से कॉन्टेक्ट भी रखते हो कि भाई अजमेर आओ, आओ हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारी दुआ कबूल होगी ऐसे तुम काम करोगे तो। और मैं क्या कहूँ इसके बारे में, आप बताइए मुझे अफजल भाई। सोशल मीडिया पर टिप्पणी भी हो रही है इस मामले को लेकर कि अब मुसलमान को जो है मुसलमान ही लड़ सकता है, या लोग आपस में ही विवाद करके मुसलमान का कहीं ना कहीं इसमें आपसी लड़ाई हो सकती है। तो क्या लगता है कि अपने को किसी दुश्मन की ज़रूरत है अगर ये मुसलमान ही आपस में लड़के मारें? सबसे पहले जो मुसलमान के दुश्मन है मैं उनको बोलूँगा आप लोग खुश हो जाओ भाई, मुसलमान का मुसलमान ही दुश्मन है, आप मत बोलो इनको। आपने नज़ारा देख लिया ना अजमेर के अंदर, ये एक दूसरे को पावर दिखाने के लिए मार देते। तो आप लोग बेफिक्र हो जाओ कि मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, लाज आनी चाहिए जो ऐसे हादसों का अंजाम दिया, और FIR भी कर रहे हो। सरवर साहब मैं आपको ऐसे खादिमों के नाम बताऊँगा ना कि खादिम लोग मेरे पे FIR कर देंगे, लेकिन मुझे शर्म नहीं है और मुझे डर भी नहीं है। अगर कहो तो मैं भाई लाइव कैमरे पर आकर के दूँ खादिमों के नाम, कौन कौन चिश्तिया किस जगह पे थे और कौन कौन से केसेस में थे। मत करो, हम लोग मुंबई से जाते हैं ना आप लोग के पास, तो वहाँ ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर जाके उनकी ज़ियारत करते हैं, और एक आस्था रहती है उनकी, उन मुसलमानों की, उन आला हजरत वालों की। आप कहोगे यहूदी, ये वहाबी, अहले हदीस और कोई भी जात के और कोई भी मतलब फ़िरके वाले ये धर्म को ये कर रहे, लेकिन वहाँ ज़्यादातर तो आला हजरत वाले जाते हैं ना, कौन सा वहाबी जाता है? आप पूछ लेते उनको रोक करके। तो हिंदू भाइयों में जो लोग हैं जो जा रहे हैं वहाँ पे, कल तुम हिंदू भाइयों को भी मारते थे पकड़ के, तो फिर क्या होता था, दंगे का माहौल खड़ा हो जाता था ना कि मुसलमान की दरगाहों पे गए तुम मार खाए। मैं हिंदू भाइयों से क्षमा मांगूंगा कि आप लोग की आस्था वहाँ से जुड़ी है, जो आप लोग जाके वहाँ पे दुआ करते हैं, और इन खादिमों को आप लोग की वजह से रोजी रोटी मिलती है, करोड़ों रुपया दान होता है आप लोग को हिंदुस्तान की जनता पे, और जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आपने दान कहाँ कहाँ किया है, कितने स्कूल खोले, कितने हॉस्पिटल में दान किया, कितने कैंसर के मरीजों का इलाज कराया, कितने फकीर। आप अजमेर चले जाओ, स्टेशन से लेकर के आपको अजमेर तक का दरगाह तक फकीर मिलते हैं आपको। आपने उनका कितना किया इतने करोड़ों के चंदे में, लेकिन एक भी खादिम मेरे को गरीब शरीफ नहीं दिखता है। सब खादिम निजम टका अटक 10,000 का लिबास मारे और पहने खड़े रहते हैं वहाँ पर। ये कौन सी बात हो गई तुम्हारी? यहाँ से गरीब मेहनत करता है वो पैसा लेकर के जाता है। आप भी कमेटी को क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? जैसे कि अभी नाम दिया जा रहा है आप लोगों को खादिम, आप अजमेर के खादिम हो, खादिम का मतलब होता है खिदमतगार, और हम मुंबई से आते हैं। अगर आप मुंबई आओगे कभी, जैसे कि हमारे इधर भी दरगाह हाजी अली दरगाह, आप इधर आते हो तो हम आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं करेंगे। क्या बात है, हाँ क्या बात है। तो जैसे हम मुंबई से वहाँ जा रहे तो आप लोग हम पे हाथ उठाओगे, हमें मारोगे। इन केस खुदा ना खास्ता कभी कोई हिंदू धर्म का अपना हमारा भाई वहाँ जाता है ज़ियारत के लिए जाता है, वो एक आस रखता है वहाँ से कि मेरी मुराद जो भी है या जो वो चाहता है वो वहाँ से पूरी होगी, और बदले में उसको डंडे लात घूंसे मिलेंगे और उल्टा वो FIR भी खाएगा, तो ये वाजिब है क्या? ये सही चीज़ है? तो आप ये चीज़ का जवाब दो हमारे को। बहुत सही। मुझे एक मिनट बोलना है कि हमारे थाना उपाध्यक्ष ने जो बात बोला है इतनी अच्छी बात बोला है कि वहाँ मुरादे लेके जाके लात घुसे खाएगा, क्या उम्मीद रखेगा आपसे कि अगले बार अजमेर के उरूस में जाना चाहिए जनता को या नहीं जाना चाहिए? मेरी ये आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मेरे थाना के जो उपाध्यक्ष हमारी संस्था के, इन्होंने जो बात बोला है आप उस पर गौर करो कि नेक्स्ट टाइम आपको चंदा देना चाहिए या आपको जाना चाहिए। आप जाओ, मैं जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लात घुसे देने वाले रहोगे तो लतखोर बनोगे। बात को समझो, आप जाओ, आपको चादर ही चढ़ाना है तो आप वहाँ पे लाखों रुपए की चादर मत चढ़ाओ। आप यहाँ से चादर का बंदोबस्त करके जाओ, आप फूल खुद लेके जाओ, खुद चढ़ाओ। आपकी ज़ियारत कबूल करने वाले ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो खादिम लोग नहीं है, अल्लाह है दुआ कबूल करने वाला। तुम्हारी दुआ अल्लाह कबूल करता, तुम्हारी आस्था है ना उसमें, तो चादर अपने पैसे से चढ़ा देना, उनका आप जेब मत भरो, नहीं तो फिर ऐसी मार खाओगे और फिर ऐसी रहोगे। और मैं सरवर चिश्तिया साहब जो चचा है उनसे मैं कहूँगा, अगर मेरी ये स्पीच आप तक पहुँची तो आप मुझ पर FIR करना चाहते हो ना तो बिल्कुल कर दो, मैं कोर्ट आने के लिए तैयार हूँ राजस्थान। जय हिंद।